हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग फिर से ये आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास कर रहे हैं, क्योंकि आज सैटरडे स्पेशल है। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मेरे सारे बच्चे रेडी हुए हैं। तो फिर हाय बोलो सब लोग। हाँ, तो फिर यहाँ पे पेपर कटिंग भी हो गया है। अभी हम लोग इसको बनाएंगे। अभी क्या बनाते हैं इसको छाने के लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो पहले मैंने चार्ट पेपर पे पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है जो फ्लावर बनाने के लिए हमको पंखुड़ियाँ चाहिए उसके साइज़ का। और ठीक मुझे ही देखते हुए बच्चे लोगों ने भी सीख लिया ये चीज़। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वो लोग केयरफुली ड्रॉ कर रहे हैं। और दूसरा ग्रुप इसको कट करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे लोग परफेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा भी गलती कहीं भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली कहते हैं ना, 6 साल तक बच्चे की बुद्धि का विकास हो जाता है। तो यही बात हमको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है। सिर्फ मैंने 2-3 या 4 ही पंखुड़ियाँ यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए थे और बस बच्चे तो शुरू हो गए। और ये दूसरा ग्रुप पेपर को शेप में कट कर रहा है। तो यहाँ भी चल रहा है आराम से, सब लोग कटिंग एंड ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ तो बहुत ही अच्छे से काम हो रहा है। तो अभी हम लोग सबका हेल्प लेके हम लोग बनाएंगे। अभी सब लोग रेडी है? अच्छे से पूरा जोश कहाँ है, जोश से बोलो रेडी। ओह हाँ, अभी सही है। काटो काटो, अच्छे से काटो सब लोग। अभी बच्चे सारे इस पेपर में छोटा छोटा कट कर रहे हैं जहाँ पे हम गम के हेल्प से पेस्ट करेंगे। वेरी गुड, ভালকে কৰা সবে। ঠিক আছে, এটো কাটিং কৰাৰ পিছত আমি আৰু বনাম। তো এটো আমি এটা ফ্লাৱাৰ বনাই আছো। কেনেকে বনাও? এটো আমাৰ মেইন বেছ পেপাৰ হয়। ফ্লাৱাৰ বনোৱাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব, বেছ পেপাৰ। এই যে একটা পেপাৰ নিলাম আমি, এটো ল'লো। সো এটোকে এনেকে কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা? সব কেটা বনাম এতিয়া। ফার্স্ট বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰা, লোৱা আঠা লোৱা, সবে বনাব লাগিব। সবে বনাব, সবে বনাব। লোৱা এইটো চাইডে, লোৱা এইটো চাইডে, এইটো চাইডৰ মানুহ এইকেইটা কৰা। লোৱা লোৱা, কিচ বনা। এইটো আমি কি কৰিম, এইটো চোৱা প্লেন আছে আৰু এইটো আছে ৰাফ আছে। প্লেনটো দি কৰিম আমি, জাষ্ট একো নাই, এনেকে অলপ আঠা লগাব লাগিব। আঠা লগাই তাৰপিছত এনেকুৱা বাছ, আঠা লগাই এনেকুৱা বাছ, এইটোকে থৈ দিলে হ'ল। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप सबको समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो से कि मैंने कैसे पेपर से फ्लावर बनाया है, तो फिर मेरा और एक वीडियो है जहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम क्लियरली, वहाँ पे दिखाया गया है कि मैंने कैसे पेपर से फ्लावर बनाया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, दिखेगा। वहाँ पर क्लिक करने से भी आप देख सकते हैं, और अभी आप आई बटन पर भी चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं पॉपअप कर दूँगी। तो আমি কত লগাম?
অলপ ইয়াতে লগাই দিব লাগিব নহলে তো বুকি না যায় নহয় तो हमारा फ्लावर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद बच्चे पिंक कलर के फ्लावर्स बनाएंगे और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो को करिकुलम एक्टिविटीज के हेल्प से हम बच्चों को पढ़ाई में मोटिवेट जरूर कर सकते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। इसको जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम साइज का ऐसा ऐसा थोड़ा कर लेंगे। देखो स्वा 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 भाल के स्वा एकदम फ्लावर लास्टर एक कितना एनका होय ना होय ठीक है सर। तब इसको एक बार हम ये ओला बनाके कोई दिन पुलन इस टाइम यार पिसोट भाई बोल हाय ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া হল কথা পিছপিনে এইটো ডাঙৰ হৈছে আমি এইটো সৰুকৈ কাটি দিম আমাৰ ফ্লাৱাৰ ৰেডি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আচ্ছা লাগা ঠিক আছে তো এনেকুৱা আমি আৰু পিংক এটা বনাম সো এতিয়া তোমালোকে বনাব মই এটা দেখাই দিলো মই আৰু একটো কওঁ কেনেকৈ বনাব লাগে এটো মই কাটি দিও দুটা বনাব দুটা বনাব লাগিব দুটা বনাব হৈ আছে দুটা বনাব কাৰণে দুটা এটো এটা দুটা কৰি লোৱা আচ্ছা कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा। तो हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे, सीखने का मन है? वेरी गुड। फूल बनवा हुआ से वाह यार बड़ा डीजे हुआ से लाइट दिया से धुनिया बनाया से यार बहुत धुनिया हुआ से वाओ सुंदर बन रहा है। देखते हैं कौन सा ग्रुप जीतता है। हमारे स्टूडेंट सब लोगों ने मिलके ये अच्छा सा दो पिंक कलर का फ्लावर बना लिया है। तो कैसा लगा फ्लावर बना के? वेरी नाइस। तो ये फ्लावर बनाया है इन सब ये वाला ग्रुप ने और ये फ्लावर बनाया है ये वाले ग्रुप में और दोनों ही फ्लावर बहुत अच्छे हुए हैं, है ना? और ये मैंने बनाया है। वेरी गुड। किसने बनाया? किसने? क्या किसने बनाया? वेरी गुड। तो सबसे पहले जॉइन अप ने किया है ये पत्ता। वेरी नाइस।
मेकअप करो। ओ ना, तो ये जैसे ये गलती हो गया क्योंकि बीच में से फाड़ा नहीं, सबसे पहले बीच में से इसको डिवाइड करना है, उसके बाद अभी करना है इसको ऐसे। करो करो हो गल खुला पिसोट जैसे हमारे पाता इफेक्ट में बस सब फटाफट फटाफट। हाँ खुला, वेरी नाइस वेरी नाइस जन्म पड़ेगा मुझे। तो बच्चे लोगों ने तो बड़े ही आसानी के साथ ये पेपर से फ्लावर्स बना लिया, उन लोगों ने पेपर में ड्रॉ किया, फिर कटिंग भी कर लिया, फिर उनको बना भी लिया। आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुली परफेक्टली उन लोगों ने फ्लावर्स बनाया, लेकिन वॉल पे पेस्ट करने के टाइम उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और मैं सोचती हूँ कि जब तक हम प्रॉब्लम में नहीं पड़ते हैं तब तक हमारा दिमाग भी नहीं खुलता और हम कुछ नया नहीं सीखते। तो बच्चे लोगों ने आज इस प्रॉब्लम से ये सीखा कि वॉल पे पेस्ट करने के लिए पहले गम को थोड़ा सा ड्राई करना पड़ता है और फिर उसको ज़ोर से प्रेस करके वॉल पे पकड़ के रखना पड़ता है। उसके बाद ही एक बार ड्राई हो गया तो उसके बाद और ये कभी छूटता नहीं है। तो बच्चे लोगों की खुशी आप देख सकते हैं। तो आज का सैटरडे स्पेशल क्लास यही खत्म होता है। हमने सबने मिलके फ्लावर्स भी बना लिया और लिप्स बना लिया और क्लासरूम डेकोरेट भी कर लिया और जो काफी सुंदर लग रहा है। लेकिन बच्चे यहाँ नहीं रुके, उनको इतना अच्छा लगा कि वो घर से और भी फ्लावर्स बना के लेके आए। लेकिन बच्चों को बाजार में ग्रीन कलर का पेपर नहीं मिला, इसलिए वो लोग स्कूल आए और आते ही ग्रीन कलर से कलर करके फिर सुखा के उसको ग्रीन पेपर बनाया, जैसे कि मैंने सिखाया वही उन लोगों ने किया एग्जैक्टली। और फिर मैंने थोड़ा सा हेल्प किया लिप्स बनाने में। ये सब देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि हम टीचर्स को और क्या ही चाहिए, हम जो सिखाते हैं बस वही सीख जाए बच्चे और उनको अच्छा लगे, बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी होता है कि बच्चों को बस अच्छा लगे। हम जो भी सिखाते हैं जो भी पढ़ाते हैं बस वो सीख जाए। तो आज का जो मेरा क्लास था वो मेरे हिसाब से तो सक्सेस मुझे मिला है। तो आप सबको आज का ये सैटरडे स्पेशल क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपको ये फ्लावर मेकिंग का वीडियो समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बता रही हूँ कि इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं और मैं पॉपअप भी कर दूँगी आई बटन पर। और अगर आप सबके पास और भी कुछ इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटीज़ है जो मैं सैटरडे स्पेशल क्लास में करा सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे क्लासरूम का जो फाइनल लुक है जो फ्लावर्स से बनाया है बच्चे लोगों ने इतने मेहनत से बनाया है, आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।